अगर आप भी इस प्रकार का इंट्रो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी टेक्निकल माइंड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से काइन मास्टर के थ्रू इस प्रकार का इंट्रो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पिक्सल लैब और काइन मास्टर। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आप में पिक्सल ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से कलर पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से एक कलर ले लीजिए। यहाँ से दोस्तों हम ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ सही पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ ए लिखा मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके और ऊपर में एडिट लिखा मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने चैनल नेम को टाइप कर लेना है। तो यहाँ से हम अपने चैनल नेम को टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसका दोस्तों आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा इधर से दोस्तों स्क्रॉल करके आप साइज पर क्लिक करके इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद क्या करना है कि यहाँ से इसका कलर भी आप कलर पर क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दोस्तों रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको फॉन्ट लिखा मिलेगा, उससे पहले दोस्तों आप इसको स्टाइल पर क्लिक करके इसको बोल्ड पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों फॉन्ट पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दोस्तों एक फॉन्ट ले लेते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट भी दोस्तों चेंज हो चुका है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके दोस्तों यहाँ ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। फिर से दोस्तों सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से आपका यह इमेज सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आप अपने काइन मास्टर को ओपन कर लीजिएगा। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको 16 और 9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या करना है कि दोस्तों यहाँ मीडिया पर पहले क्लिक कर लेना है और बैकग्राउंड यहाँ से ले लेना है। तो एक बैकग्राउंड आप यहाँ से ब्लैक ले लीजिएगा और यहाँ सही पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों क्या करना है कि इसको शुरू में ले आना है और यहाँ लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसका दोस्तों लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम चलिए यहाँ से इसको ले लेते हैं। और लेने के बाद दोस्तों आप इसके पीछे वाले के लेवल में इसको कर लीजिएगा इस प्रकार से जूम करके और यहाँ सही के चिन्ह पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक बार हम आपको चलाकर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि यहाँ से बीच में ले आकर के दोस्तों और यहाँ से लेयर पर क्लिक कर देना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों अभी जो आपने पिक्सल लैब से अपने फ़ोन को सेव किया है अपने चैनल नेम को, वहाँ से इसको ले लेना है। तो चलिए हम इसमें जो अभी सेव किए हैं उसको ले लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ सही के चिन्ह पर क्लिक कर देते हैं। एक बार फिर से दोस्तों हम इसको चला कर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अब क्या करना है कि आपको फ़ोन पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ इन एनिमेशन पर क्लिक करके दोस्तों इसका एनिमेशन सेट करना है। तो यहाँ से हम दोस्तों स्लाइड राइट पर क्लिक करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार का देखने में लग रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ से प्ले कर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से हम इसका फिर से दोस्तों एनिमेशन चेंज कर लेते हैं क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको पॉप पर क्लिक कर देते हैं और फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि दोस्तों अब देखने में अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है कि दोस्तों फिर से इसको शुरू में ले आना है और
और लेयर पर क्लिक कर देना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको व्हाइट वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से दोस्तों इसको फिर से इसको जूम करके इसके लेवल में कर देना है। और यहाँ से दोस्तों इसको क्या कीजिएगा कि सही के चिन्ह पर टिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि फिर से आपको व्हाइट वाले कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कलर पर यहाँ फिर से क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सही के चिन्ह पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों क्या करना है कि रेड वाले कलर को सिलेक्ट करना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ब्लेंडिंग पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करना है कि आपको ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसको इस पर भी क्लिक कर देते हैं और यहाँ से सही के चिन्ह पर टिक कर देना है। अब एक बार दोस्तों प्ले करके हम इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा एनिमेशन बन करके तैयार हो चुका है, कितना दोस्तों देखने में खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ सेटिंग्स पर पहले क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से दोस्तों ऑडियो फेड आउट जो ऑप्शन है उसको आप इसको पहले बंद करके यहाँ से सेव कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके जो एनिमेशन बनाए हैं उसमें का साउंड आपका गड़बड़ाएगा नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आप जितने के वी में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक करके और डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा।